हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू रैंकर 47। आज का हमारा नया टॉपिक है 1v1 कस्टम। तो इस कस्टम की खास बात क्या है कि इसमें हम काटाना का वार करेंगे। हम दो लोग 1v1 करेंगे काटाना में, सिर्फ ओनली काटाना। और इसका स्पेशलिटी है इसमें 500 HP रहेगा जो है, उसके साथ ही लेवल 4 का वेस्ट और लेवल 4 का हेलमेट भी रहेगा। तो सोच लीजिए ये कितना ही हार्ड होगा। तो नेम दे देते हैं इसको काटाना 1v1, ये नाम शायद ठीक रहेगा। तो ठीक हो गया ये। पासवर्ड क्या दें, पासवर्ड 234 दे देते हैं। हाँ ठीक है, फिर सोलो कर देते हैं। अब ये तो बाद में करेंगे, फिर एडवांस सेटिंग ऑन करके काटाना को सिलेक्ट कर देते हैं और बाकी सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। सिर्फ काटाना और ग्लूवल रहेगा, और काटाना का जो पॉइंट्स है सब जीरो कर देते हैं हम। मतलब फ्री में काटाना मिलेगा, ताकि ये बंदा नहीं बोले बोल पाएगा कि हमारे पास काटाना ही नहीं मिला। वैसे वो बोल तो नहीं सकता, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। तो हम सब गन यहाँ सिलेक्ट डिसलेक्ट कर रहे हैं, हर एक गन। सिर्फ ग्लूवल रहेगा, ग्लूवल का थोड़ा पॉइंट कम कर देते हैं। हाँ हो गया 50 पॉइंट में, ठीक है। फिर भेस्ट हम सिर्फ लेवल 4 का और हेलमेट लेवल 4 का रखेंगे, उसका भी पॉइंट हम पूरा बहुत कम कर देंगे। फिर हाँ रिपेयर किट को रखेंगे, रिपेयर किट का पॉइंट थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। हाँ सही है। फिर ग्रेनेड, ग्रेनेड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है तो उसको नहीं रखेंगे। मशरूम हाँ रखेंगे, इसको रखेंगे, इसको रखना पड़ेगा। मशरूम के बाद इकोनॉमी में आके हर राउंड का जो पॉइंट है वो 3000 में रख देंगे। मतलब हर राउंड में आपको 3000 पॉइंट्स मिलेंगे, और 18 राउंड्स यानी 80 से जीतना पड़ेगा हमें। और ये थोड़ा इवेंट्स, इसमें भी 5000 पॉइंट रख देते हैं। फिर क्रिएट कर दे, एक मिनट, क्रिएट करने से पहले हम थोड़ा गेम में ये थोड़ा चेंज कर देते हैं। लिमिटेड एमो नो हो गया, कैरेक्टर स्किल हाँ रहने देते हैं। फिर हमारे एनवायरनमेंट हाँ ठीक है, फॉल डैमेज नो कर देते हैं। हाँ ठीक है, फिर और क्या है, ठीक है कैरेक्टर स्किल नो कर देते हैं आपके लिए। अब हमारा जो है HP उसको हम 500 कर देते हैं। हाँ तो एयर ड्रॉप भी हमारा नो हो गया है, तो अब कंफर्म कर देते हैं। तो हमने ये क्रिएट कर दिया, अब उसका हम वेट करेंगे कहाँ गया वो। तो कस्टम हमारा बन चुका है, वो ग्रुप हाँ आ गया। उसका नाम हमने काजू दिया है, वो हमारे अच्छा दोस्त है इसलिए। तो हमारा दोस्त आ गया, इसको थोड़ा बता देते हैं कि हमें कैसे, हमने इसको बता दिया है कैसे हमें क्या करना है। लेकिन ये बिल्कुल मत सोचेगा कि ये स्क्रिप्टेड वीडियो है, समझे, क्योंकि स्क्रिप्टेड वीडियो में गेम। तो अब ये 3, 2, 1 स्टार्ट हो चुका है। तो हम इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, हम ट्राई करेंगे 8-0 से जीतने के लिए। एक भी राउंड उसको नहीं देंगे, अगर गन से होता तो चलता, लेकिन अभी तो नहीं देंगे। तो गेम स्टार्ट जल्दी हो जा, हो क्यों नहीं रहा ये। हाँ हो गया, हम स्मूथ पे खेल रहे हैं तो ग्राफिक्स थोड़ा लो है। और हमने सब इक्विप कर लिया, ग्लूवल, काटाना, वेस्ट, हेलमेट और रिपेयर किट थोड़ा ले लेते हैं, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब 2, 1, 0 हाँ स्टार्ट हो गया। अब उसको हमें ढूंढना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमेशा ग्लूवल डाल के ही आता है। पता नहीं वो काटाना के वार में भी ग्लूवल क्यों डाल के आता है, काटाना में उसको कौन मारने वाला है ग्लूवल से पता नहीं। हम उसकी तरफ जा रहे हैं, वो हमारी तरफ आ रहा है। अब देखते हैं, हमने पहला अटैक कर लिया, वो थोड़ा ग्लूवल फेंकने में थोड़ा माहिर है। तो हमारी फाइट अभी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तो देखते हैं हमारा डैमेज जा रहा है, उसका भी डैमेज जा रहा है, हमारा ज़्यादा डैमेज जा रहा है मुझे लगता है। ओ भाई मार दिया यार, यार इसका इतना पावर कैसे बचा है यार, 200 पावर है इसका। हमने तो, मुझे लगा मैंने बहुत ज़्यादा उसको डैमेज दिया है, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसने मुझे डैमेज दिया था। तो हम फिर से वही सब कुछ इक्विप कर लेंगे जो ज़रूरत है इस मैच में। तो अब हम रेडी हो चुके हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। हाँ तो हम चलते हैं, इस हर भी हम आमने सामने आके सिर्फ फाइट ही करेंगे ऐसे ही। तो आ क्यों नहीं, हाँ आ गया वो, मिल गया। हम भी थोड़ा वॉल में फ्लेक्स कर लेते हैं अपना, फाइट तो करना है सिर्फ स्वॉर्ड से। हाँ आजा 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 भाई, आ गया आजा, वॉल क्यों डाल रहा है यार। हाँ आजा, हाँ पहला बार देखते हैं, उसका बच गया पहला बार हमें। हाँ अब हम भी अटैक कर रहे हैं,
1845 उतना डैमेज था, हेड शॉट। हाँ बहुत बढ़िया, हम जीत गए यहाँ पे यार। अच्छा हुआ वो हेड शॉट लग गया वहाँ पे। थोड़ा इमोट में भी फ्लेक्स करना है हमें ना। और फिर ये थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया हमारा, हम फिर से वही सब ले लेंगे अपना। अब देखते हैं वो भी इस राउंड में, देखते हैं कौन जीतता है। तो फिर से ये टाइमर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। हाँ तो स्टार्ट हो चुका है ये सेकेंड राउंड, देखते हैं कौन जीतता है हम में से। मैं इसको बिल्कुल भी मतलब चांस नहीं देना चाहता। कहाँ गया, अरे आ क्यों नहीं रहा, शायद ऑफलाइन। हाँ हाँ मिल गया, मिल गया ये। वो नीचे बुला रहा है हमें, लेकिन हम उसको ऊपर बुलाएंगे क्योंकि नीचे फाइट नहीं लेना है। नीचे थोड़ा जोन जल्दी आ जाएगा, ऊपर हम फाइट लेंगे। तो वो आ रहा है शायद, हाँ आ गया वो। तो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं अपना फाइट। हाँ बहुत बढ़िया, हमारा पहला शॉट लग गया, दूसरा। हाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, थोड़ा कम डैमेज दे रहा है, 26-27 के आसपास, लेकिन चलेगा। ज़्यादा डैमेज पड़ गया, अब वो भाग रहा है। हम अब दूसरी तरफ से जाएंगे, देखते हैं वो मेडिकेट मार रहा होगा शायद। अब बस और थोड़ा और, थोड़ा और। ओ भाई वो निकल गया, शायद मेडिकेट मार चुका है वो, पता नहीं ठीक से हमें। तो अब हम उसको ढूंढ रहे हैं, वो भी हमें ढूंढ रहा है। अब वो उस पीछे की रास्ते से आ रहा है अभी, जहाँ से हम आए थे। ठीक है, आजा आजा आजा। हाँ अटैक। हाँ अभी हमने फिर से पहला डैमेज दे दिया। मार 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 मार, आजा आजा आजा। हाँ बहुत बढ़िया, हम फिर से जीत गए। इमोट का ये वाला फ्लेक्स तो करना ही पड़ेगा ना आखिरी में अपने दोस्त के सामने। कौन बंदा होगा जो अपने दोस्त के सामने ये फ्लेक्स नहीं करेगा। और एक बात आपको बताता हूँ, हर राउंड के बाद आपको लेबल वेस्ट और हेलमेट बिल्कुल चेंज ही करना है, क्योंकि वो जो पुराना वेस्ट और हेलमेट था उसको डैमेज पड़ चुका है, और वो थोड़ा सा मतलब पुराना हो गया है, तो उसका ड्यूरेबिलिटी जो होगा कम हो जाएगा। मतलब उसको अगली बार जब उसको डैमेज पड़ेगा तो वो ज़्यादा जल्दी ही फट जाएगा। तो इसलिए हमें हर राउंड में या हर फाइट के बाद चेंज तो करना ही होगा वेस्ट और हेलमेट हमारा। तो हम देखते हैं, ये फोर्थ राउंड है, देखते हैं ये कौन जीतता है। हम उसको बीच में पूरा बुला लेते हैं। कहाँ गया, हाँ मिल गया वो। वाल डाल डाल के आ रहा है, ये वाल का फाइट नहीं है, उसको कौन बताएगा। मैं भी बताना भूल गया यार, वाल इतना ज़्यादा नहीं डालना था। अच्छा स्वॉर्ड का फाइट है ना, स्वॉर्ड के फाइट में खेलते हैं। एक बार मैंने ऐसा ही दूसरे दोस्त के साथ खेला था, सिर्फ काटाना में। तो वो क्या करता था, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करके एक दो राउंड जीत भी गया। वो राउंड मेरा होना चाहिए था, लेकिन वो जीत गया। वो भाई ये कर क्या रहा है यार, इतना ग्लू वाल। हाँ फाइट स्टार्ट हुआ, वो डैमेज दे दिया यार। हाँ लगा लगा लगा। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है, लग रहा है हमारा शॉट। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ और थोड़ा, और थोड़ा है उसका। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ हमने थर्ड राउंड में निकाल दिया है, अब फोर्थ राउंड की चलते हैं। तो ये कहाँ आएगा, ये देखते हैं। ये आ गया नूरेक डैम पर। डैम पर भी हम फिर से आपको एडवाइस देते हैं, हमेशा अपना जो गियर है, हेलमेट और वेस्ट, हमेशा इसको चेंज करके रहेगा, नहीं तो आपका ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। ये एक वार्निंग की तरह है आपको गेम में, या जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है उनको पता होगा। अगर आपके पास पॉइंट नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पॉइंट बचता है तो आप हमेशा चेंज करते रहिएगा गियर। तो वो सामने है हमारे, आया आया आया, इस बार ग्लूअल नहीं फेंका। हाँ बहुत बढ़िया, हमारे ज़्यादा डैमेज दे दिया हमने। लग जा और थोड़ा, और थोड़ा, हाँ और थोड़ा भाई, और थोड़ा, और थोड़ा लग जा। क्या हुआ उसको, उसको शायद थोड़ा कुछ हो गया, उसका नेट नहीं चल रहा शायद। आया आया, हाँ इसका पता नहीं क्या हो रहा है, नेट चल रहा है नहीं चल रहा है। कहाँ गया, आया। ओ वाल क्या गिरा रहा है ये वाल, पता नहीं कहीं पे भी वाल गिरा देता है ये। अब हम कर भी क्या सकते हैं यार, ये मतलब क्या बंदा है, इसका वाल ही सिर्फ फास्ट है, मारता सिर्फ यूएमपी से, यूएमपी सकता है ये। और यूएमपी नहीं मिला तो कुछ भी नहीं काम का ये बंदा। तो देखते हैं कौन जीतता है ये वाला राउंड। तो आजा भाई आजा, सामने आजा, सामने आजा। हाँ वो मेडी मारा है, थोड़ा हमने ज़्यादा डैमेज दे दिया, लेकिन हम उसको मेडी यूज़ करने देंगे, हमारा भी थोड़ा मतलब हक बनता है यार। अब हमारी वीडियो है,
उसको पता है, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं, अब हम उसको मेडी भी दे देंगे। यूज़ कर ले भाई, यूज़ कर ले, उसके बाद मारने में ज़्यादा मज़ा आएगा तुझे। आजा आजा आजा, हाँ बहुत बढ़िया, हाँ फिर से हमने डैमेज दे दिया अच्छे से, हाँ मर गया, बस ख़त्म हो गया सब। उसको 3 मेडी यूज़ करने के बाद भी वो नहीं मार पाया हमें, ये है पावर, समझे। अब देखते हैं हम 6th राउंड में, या ये कौन सा राउंड है, हाँ 6th है शायद। यार हमारा सब कुछ रेडी हो चुका है, हम इस वाले राउंड पे कुछ और लेंगे नहीं, गियर भी हम चेंज नहीं करते हैं, देखते हैं वो जीत पाता है क्या नहीं ये वाला राउंड। 4-1 हो चुका है, मतलब 5 राउंड हमारा जा चुका है, तो ये 6th राउंड ही है, तो यहाँ हमारा स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा रिपेयर किट ले लेते हैं, काम में आएगा। ड्यूरेबिलिटी रिपेयर किट यूज़ करने के बाद भी जल्दी ही कम होता है, क्योंकि रिपेयर किट उतना उसको अपग्रेड नहीं कर पाता जितना नॉर्मली जब मिलता है तब होता है। तो वो आ गया हमारे सामने, ये ग्लूवॉल पका के ही हमें मार सकता है, सिर्फ ग्लूवॉल के बिना उसका कुछ काम का नहीं है ये। हम थोड़ा फिर से फ्लेक्स कर लेंगे। आ गया आ गया, एक मिनट, ये क्या हुआ, ऑफलाइन चला गया क्या ये? ओ भाई क्या हुआ, क्या कुछ मांग रहा है या कुछ दे रहा है, पता नहीं। हम तो नॉर्मली गेम में ऐसे ही ले दे के काम करते हैं, क्या हुआ, हम भी बैठ जाते हैं। हम मारेंगे नहीं, ऑफलाइन को नहीं मारेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, थंबनेल में यूज़ करेंगे इसको। क्या हुआ, आ जा, हाँ आ गया आ गया। नहीं एक मिनट, क्या हुआ, फिर से ऑफलाइन हो गया क्या, पता नहीं यार क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसका, ऑफलाइन चला जा रहा है या कुछ गेम में शायद ग्लीच हो रहा है उसका। फिर से स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओ भाई आ गया, अच्छा वह सी ठीक टाइम पर आ गया, हम थंबनेल के लिए दूसरा स्क्रीनशॉट लेते, थंबनेल बचता, थंबनेल लगाने के लिए वीडियो ही नहीं बचता, क्योंकि हम हार जाते लास्ट में। क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, इसका कुछ हो रहा है क्या प्रॉब्लम, इसके किडनी में क्या स्टोन हो रहा है, इसके कैरेक्टर का क्या कुछ हुआ है। अब लास्ट में हमारा पूरा फाइट स्टार्ट हो चुका है, तो आजा आजा। और ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब, मार दिया यार हमें, पता नहीं इस बार उसका शायद लक ठीक ठाक चल रहा है। तो 4-2 हो जाएगा, 4+2 होता है 6, तो ये 7th राउंड है हमारा, 15 में से 7th राउंड है। फिर हम सारा गियर लेके, हम थोड़ा रिपेयर किट को ज़्यादा रखेंगे अपने पास। तो अब राउंड स्टार्ट होने वाला है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, हाँ हो गया। तो देखते हैं, वो वही वही होगा, पता नहीं इस राउंड में वो पूरा ऑफलाइन चला गया या खेलेगा, हमें ठीक से अभी पता नहीं है, वो तो ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा। क्या हुआ भाई, ग्लूवॉल का है, हाँ आ गया आ गया, अब वो ऑनलाइन है, इस बार ग्लूवॉल नहीं डाला, दोनों ने एक साथ हमें डैमेज दिया है एक दूसरे को। तो देखते हैं कौन जीतता है हम दोनों में से इस राउंड में, पिछला वाला राउंड ले लिया है पता नहीं कैसे। हम भी मेडी मार लेते हैं यार, पता है अगर आप ग्लूवॉल पर अटैक करेंगे काटना से तो वो फट जाएगा, बहुत देखा वो पीछे वाला ग्लूवॉल, देखा आपने कैसे फट गया सिर्फ काटाना के थोड़े से डैमेज से। क्या यार भाई, फिर से मेडी, हम दोनों सामने सामने मेडी ले रहे हैं, लेकिन कोई किसी को मार नहीं रहा है, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और ये हम प्रतिज्ञा लिए किए हैं कि कोई किसी को नहीं मारे। ओ भाई हेडशॉट लग गया इसको, मतलब वो पता नहीं क्यों रुक गया, शायद मूवमेंट का कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए हम उसको नहीं मारेंगे। तो देख लेते, ओ भाई मर गया, उसका ज़्यादा HP भी नहीं बचा था शायद, हाँ तो हमने ये वाला राउंड निकाल दिया, हमने अपना बदला भी ले लिया। तो 5-7th राउंड चला गया, ये 8th राउंड है, इसमें देखते हैं कौन जीतता है। ये टाइमिंग यार बहुत ज़्यादा लेता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, तो अगले कस्टम में हम क्या क्या हमारा जो इक्विप करें, जैसे ये वाला काटना का वार हुआ, तो अगले वाले में क्या रखें, ऑप्शंस भी है उसमें, मैं आपको इजी कर देता हूँ उसके लिए। आप गैटलिंग का ऑप्शन दे सकते हैं हमें, या फिर ओनली फीस्ट का भी हो सकता है हमारा। तो अगर आप कमेंट के करके बताएंगे तो हम अगला वीडियो उसी पर बनाएंगे। तो वो आ गया, देखते हैं कौन ये वाला राउंड निकल पाता है। आजा यार, कितना वाल डालेगा आखिर में, तो हारना या जीतना ही, वाल डाल के क्या मिलेगा। हाँ बहुत बड़े हेडशॉट लग गया यार अभी, आ गया। क्या यार बार बार मेडिकल ले रहा है, लेकिन हम इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि उसने हमें 1% का भी डैमेज नहीं दिया है, 500 में से एक भी।
पता नहीं उसका शायद उसमें ओ भाई चीटिंग कर रहा है क्या? ये क्या था यार, यूएसपी से मार कैसे मारा इसने हमें? इसके अंदर इतना दमों का हमें यूएसपी से मारेगा? ठीक है इसको मेडी, ओ नहीं ये इसको खुद ही नहीं पता ये क्या कर रहा है। नीचे बैठ के मारते, नीचे बैठ के मारने से ऊपर वाला ज़्यादा मतलब एक्यूरेसी नहीं रहे या काटाना का, तो ऊपर जो खड़ा होके हमें मार रहा है तो उसका वो मतलब उसका शॉट नहीं लगेगा हमें। तो अब कहाँ गया ये मतलब बंदा है या क्या? ये मतलब वो होता है ना मांग क्या, बंदर होता है वो, ऐसे ही उछल कूद करके वाल डाल के पता नहीं क्या क्या क्या, क्या कर रहा है ये क्या। हाँ बस मतलब पूरा हेडशॉट लग गया लास्ट शॉट में। ये कैसे मतलब अनबिलीवेबल हेडशॉट यार, मतलब मैं जानबूझ के भी नहीं मारा था, वो अपने आप गेम के हिसाब से लग गया। तो यहाँ पे थोड़ा और भी लेट होगा यार, हर राउंड का ये 20-30 सेकंड ले जाता है। तो आज आई सेड देख लीजिए, हमने फिर से गियर अपना चेंज कर लिया और मशरूम भी ले लिया है ताकि थोड़ा थोड़ा हमें कभी कभी हेल्प हो जाए। तो अब कितना, हाँ स्टार्ट हो गया राउंड 6-2, ये हो गया 8th राउंड हमारा, मतलब 8th राउंड कंप्लीट हो चुका है, ये 9th वाला राउंड है। देखते हैं ये कौन निकाल पाता है। हमें जीतने के लिए और 2 राउंड चाहिए। हम अगर आप सोच रहे हैं कि मैं यूएसपी से मारूंगा उसे, नहीं मैं उसको बुला रहा हूँ यूएसपी से, यहाँ पे आके हमें फाइट करना है पूरा मतलब खुले एरिया में। हाँ तो वो भी समझ गया, वो भी आ गया, हमने पहला अटैक कर दिया है उस पर। हम पूरा स्क्रीन रोटेट कर करके मार रहेंगे उसको, किसने मतलब ऐसा वाला कस्टम नहीं देखा होगा उससे पहले। तो देख लो, अगर मज़ा आएगा तो कमेंट में गुड जॉब लिख देना, हमने ये वाला राउंड भी निकाल दिया है। हाँ मुझे एक अभी आइडिया है, जब ये हमारा लास्ट राउंड हो सकता है, हम 8-2 से उसको हरा सकते हैं, तो मुझे आइडिया है कि थंबनेल के लिए उसका एक और पिक ले लेते हैं। जब अगर हम ये वाला राउंड जीत गए तो उसका एक पिक ले लेंगे हम, उसको मारने के बाद वहीं पे खड़ा रहेंगे और वो थंबनेल पे डालेंगे। वो बुरा तो नहीं मानेगा लेकिन दोस्त है, कुछ भी नहीं बोलेगा, बोलेगा भी तो हमारा कुछ जाएगा आएगा नहीं, क्योंकि वो हमारा दोस्त है और हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये इस राउंड में भी ग्लू वॉल डाल दिया, आ जा आ जा आ जा। हाँ बहुत बढ़िया, पहला अटैक दोनों का एक एक ही टाइम पे बजा है हमारा, आ जा लग जा। हाँ लग जा। हाँ ओ तो आपने देखा बीच, ओ भाई बहुत डैमेज दे दिया यार, हम भी थोड़ा मेडी मार लेते हैं। आ जा आ जा। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, और थोड़ा है, पता नहीं उसका कितना है लेकिन मेरा बहुत कम है यार। ओ भाई हेडशॉट लग गया, और थोड़ा और थोड़ा। हाँ बस लास्ट राउंड है, और थोड़ा। ओ भाई मार दिया यार। तो ये लास्ट राउंड नहीं था, 7-3 हो गया है, इसके बाद वाला राउंड देखते हैं। उसने अपना रिवेंज ले लिया, अब हम अपना रिवेंज लेंगे। तो देखते हैं, ये शायद ये वाला लास्ट राउंड हो सकता है शायद, मतलब ये वाला राउंड वो जीत सकता है या मैं भी तो जीत सकता हूँ। तो देखते हैं, अब इसको ढीला नहीं करेंगे। 7 पे आने के बाद क्या करते हैं बंदे, बहुत ढीला ले लेते हैं एनिमी को, तो उससे क्या होता है उनका ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, उससे वो हारने का चांसेस उस बंदे का बढ़ जाता है। तो हम इस ये वाला राउंड ढीला नहीं देंगे उसको। तो देखते हैं, हाँ वो सामने आ गया, आ जा आ जा भाई आ जा। हम वाल का मतलब ये बीच में वाल डाल के डिस्टर्ब नहीं करेंगे हमारा काम, हम हमारा साइड में वाल डाल के सब करेंगे। आ जा भाई मार तो, हाँ मार लग जा। 18 का डैमेज दे रहा है, क्या यार ये 18 का, लेवल 4 का भेस्ट 18 का डैमेज दे रहा है, क्या बहुत बढ़िया। हाँ लगा लगा। हाँ ओ भाई हेड लग गया, हेड लगा। हाँ और थोड़ा है। हाँ बहुत बढ़िया, दूसरा हेड 555 का। अरे भाई क्या 555 का हेड लग गया गया क्या, 255 या कितने का हेड लगा दिखाई नहीं दिया ठीक से। बहुत डैमेज दे दिया हम दोनों ने एक दूसरे को। ओ भाई साहब हेड लग गया। 1 मिनट, ये वाला पिक सही है, ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसका हम थंबनेल पे डालेंगे। भाई लास्ट वाला में हेडशॉट मार के जीत गया, वो हमारा दोस्त है तो वो कुछ बोलेगा भी नहीं। तो हमारा यहाँ वीडियो एंड होता है, अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वाले वीडियो के लिए हमें क्या क्या सब इक्विप करना है, कौन से वेपन से खेलना है, तो वो
आपके हाथ में है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हम कौन से वेपन से खेलें तो हम उसी वेपन से खेलेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया यार दोस्तों।